क्या भाजपा की सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अब पहलवानों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? क्या उन्होंने कोर्ट में पहलवानों के खिलाफ याचिका दायर की है? जी नहीं, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई याचिका दायर नहीं की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरे या मुझसे संबद्ध किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिल्ली सरकार, धरना देने वाले पहलवानों और न्यूज चैनलों के विरुद्ध कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की गई। मैंने किसी अधिवक्ता, लॉ एजेंसी या प्रतिनिधि को किसी न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति या अधिकार प्रदान नहीं किया। हालांकि सोमवार सुबह से ही इस बात की चर्चा थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट में पहलवानों के खिलाफ याचिका दायर की है। इसी के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे लिखा कि मीडिया के सभी माध्यमों से आग्रह है, कोई भी अपुष्ट या अप्रमाणिक खबर प्रसारित ना करें। वर्तमान वक्त में विषय की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सभी से अनुरोध है किसी अफवाह या भ्रमात्मक तथ्यों को बढ़ावा देकर अव्यवस्था न बढ़ाएं। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवान विनेश फोगाट समेत कई भारतीय पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 3 दिन तक चले धरने के बाद शुक्रवार देर रात जंतर मंतर पर सरकार के आश्वासन के बाद ये धरना खत्म किया गया। बता दें कि सरकार ने फिलहाल के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ के कामों से अलग कर दिया है, साथ ही इस मामले पर जांच समिति का गठन किया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।